एजाज साहब आपसे बात करने में अपने फैसला सुना दिया है, बल्ले का जो निशान है वो फिर आपसे वापस ले लिया गया है और 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला जो गलत करार दिया था वो 9 को फैसला होगा ना, फिर 9 को लगा हुआ आप क्या कहते हैं? वो तो 9 को लगा हुआ है केस। सर सुन लें, सुन लें, इतराज साहब की बात सुन लें, सुन लें, सुन लें। बल्ले का निशान जो है ये देखो, ये बड़ा है। एक बात मैं कर दूं कि कल चूंकि खोसा साहब और मैं यहाँ हियरिंग के लिए नहीं आ सके, वो 8 बजे 9 बजे जाके वो केस रात के ख़त्म हुआ तो ये मोटरवे बंद हो गई। तो इस पे मैं बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई शुएब शाहीन को कि बड़ी मुख्तसर वक्त में इन्होंने बहुत अच्छी केस की तैयारी की और बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया। थैंक यू सर। अब मैं दूसरी बात, ये बल्ले का तो खिलवाड़ हो रहा है। बल्ला अगर सिर्फ एक सियासी जमात का निशान है तो ले लो, बल्ला अगर सिर्फ कैंडिडेट्स का निशान है तो ले लो, बल्ला लेकिन कैंडिडेट का नहीं निशान, पीटीआई का निशान नहीं, बल्ला निशान है हर उस अनपढ़ वोटर का जो 20 नामों में से अपने कैंडिडेट का नाम बीच में नहीं निकाल सकता और उस पर मोर लगा सकता। और हमारे यहाँ 70% नाखानगी है। अब वो सारे वोटर्स को, करोड़ों वोटर्स को एक जुम्बिश एक कदम के साथ ये इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशनर उनके वोट का ही हक से महरूम कर सकता है। वोट एक बुनियादी हक है। और बीबी शहीद के केस में 1988 में उन्होंने लिखा ये जो निशान है इसको भी उसके साथ बुनियादी हक बनाया कि ये पार्टी का बुनियादी हक है। क्योंकि देखे ये अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में ये बल्ले ये कोई निशान नहीं होते, कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं बैलेट पेपर पे कैंडिडेट्स के सबके नाम होते हैं, वो हर कोई पढ़ा लिखा है। वो जेम्स जॉनसन पढ़ता है अपने कैंडिडेट का नाम उसे स्टैंप कर देता है। पर ये जो बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, यहाँ निशानात लगा। अब तीर के निशान पे जिसने पीपल्स पार्टी को वोट करना होता है वो नहीं पढ़ सकता नाम कि इसके नाम क्या है बाकियों के नाम। वो निशान जो है उस बुनियादी हक जो वोटर का है, उस वोटर का वोट करने का जो हक है वो ये बल्ला या पीर या शेर ये प्रेजेंट कर, ये उसको रिप्रेजेंट करते। अब आप देखें, आप एक तरह से पार्टी से निशान ले लेते, पार्टी से निशान ले लेते। अब पार्टी तो तितर बितर एक लिहाज से हो गई, सारे इंडिपेंडेंट हो जाए तो किसी का निशान इधर घोड़े का निशान है साथ वाली हलके में, उसी पार्टी के का निशान जो है वो ये टैंक हो या वो जीप हो या कार हो, ये नहीं हो सकता। ये आपने पार्टी को ही ख़त्म कर दिया, सांस दबा दिया। अब सियासी जमात को डी रजिस्टर करने का या गैर फाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है अंडर आर्टिकल 70, और वो भी पूरी कार्रवाई उससे करनी होती, पूरी वहाँ वो शहादतें पेश करेंगे, गवाह पेश होंगे, जिरा होगी। और ये नैप को जब एएनपी की जो पहले पेश रॉ पार्टी थी, नैप को जब बैन किया गया 1976-74 में, तो उस वक्त पूरी 8 महीने उनकी कार्रवाई होती रही, ट्रायल होता रहा। फिर वोटर का मेरा नाम कोई चाहता है कि निकाल दे वोट से, अब उसके लिए कानून है, उसके लिए पूरी इंक्वायरी पूरा ट्रायल होता है। मेरा नाम नहीं निकाल सकते, एक बंदे का एक वोटर का नाम लिस्ट से आपने फहरिस्त से निकालना है, आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, आपको उसको जवाब उससे तलबी होगी। फिर जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये नाम गलत है, ये वोटर तो मर चुका है इसका नाम चल रहा है, उसको शहादतें पेश करनी पड़ेगी, उधर से मैं शहादतें पेश कर रहा हूँ, जिरा होगी,
वो फिर नाम एक कटेगा और ये करोड़ा नाम ये हो ही नहीं सकता। पिशावर हाई कोर्ट ने जो पहला फैसला किया था मियां शेख साहब का जो फैसला था बेहतरीन फैसला था, वो फैसला ऐसा था जो आइन के मुताबिक है जो वोटर्स, वरना ये मजलूम अनपढ़ जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है कि वोट डाले और अपनी आवाज मुजतम करके एक दिन, पांच साल में एक दिन, और ये तो पता नहीं कितने साल लगाने वाले लोग हैं, एक दिन पांच साल में उसको मिलता है कि वो अपना जाके अपनी राय दे, वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ले ले, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये हरगिज बहुत बड़ा डाका होगा क्योंकि आप महरूम कर रहे हैं करोड़ों वोटर्स को उस हक से जो वोटिंग का हक है और जो वो इस्तेमाली सिंबल के जरिए हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं पोलिंग स्टेशन से एक जाती है बूढ़ी औरत जा रही है अंदर वोट डालने, वो कहती जाती है पुत्र मैं बिलावल नु वोट पाना है, मैं बिलावल नु वोट पाना, पुत्र मैं नवाज शरीफ नु या मरियम नु पाना, पुत्र मैं कप्तान नु पाना है, मैं खिलाड़ी, मेरा निशान है ही मां ऐ जिथे निशान लगा हो बल्ले दा या तीर दा या शेर दा उथे तू मोर ला दे, वो मोर ला के आ जाती वो वोट हो जाता है। हाउ कैन यू टेक अवे द फ्रेंचाइज एंड दिस इज डी फ्रेंचाइजिंग एंड इन डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल इन मिलियंस, आप किस तरह उनको डी एंड डी हो सकता है सर? नहीं, वो उनकी मर्जी है, वो तो पार्टी की मर्जी, पार्टी के होते हुए अगर पार्टी डिसॉल्व नहीं होती, पार्टी को डिसॉल्व नहीं ये कर सकते, तो पार्टी का हक है उस निशान पे। ये भी बीबी शहीद के केस में 1988 के केस में मैंने वो किया हुआ केस, उस केस में तीर का निशान हमने लिया था क्योंकि तलवार निकाल दिया था जियाउल हक ने और वो तीर का निशान हमें मिल गया, वो निशान जो अवेलेबल थे उसमें ऑप्शन थी, ये ऑप्शन है, पर पार्टी से निशान वापस लिया ही नहीं जा सकता। ये करोड़ों वोट जो उसको पड़ने हैं पार्टी को, उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने का के मुतरादफ है और ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हो सकती। वो पेशावर हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था और हक है उस निशान पे। ये भी बीबी शहीद के केस में 1988 के केस में मैंने वो किया हुआ केस, उस केस में तीर का निशान हमने लिया था क्योंकि तलवार निकाल दिया था जियाउल हक ने और वो तीर का निशान हमें मिल गया, वो निशान जो अवेलेबल थे उसमें ऑप्शन थी, ये ऑप्शन है, पर पार्टी से निशान वापस लिया ही नहीं जा सकता। ये करोड़ों वोट जो उसको पड़ने हैं पार्टी को, उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने का के मुतरादफ है और ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हो सकती। वो पेशावर हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था।